हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 21 फरवरी 2020। आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे, मोटिवेशन कोट, वन लाइनर न्यूजेस रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेंगी, स्पेशल नॉलेज रहेगी, एक स्टेट को हम डिस्कस करेंगे और स्टैटिक जी के डिस्कस करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। जिस प्रकार बिना लहरों और तूफान वाले पानी में नाविक कभी कुशल कप्तान नहीं बन सकता, उसी तरह कठिनाइयों का सामना करके ही जिंदगी का कुशल कप्तान बना जा सकता है। ये हमने आपको पहले भी एक मोटिवेशन कोट बताया था, आज भी हम बता रहे हैं। देखो, जब अगर कोई नाविक है, नाव चलाने वाला है, जब तक नदी में शांत पानी में चल रहा है तब तक वो एक कुशल कप्तान नहीं बन सकता, क्योंकि कोई कठिनाइयाँ ही नहीं तो नाव चलती जाएगी, आराम से किनारे पर पहुंच जाएंगे। जब तूफान और लहरों से नहीं टकराएगा तो उसको ये आइडिया नहीं आएगा कि हम इससे बाहर कैसे निकलें, ठीक है। इसी प्रकार जब तक आपके सामने कठिनाइयाँ नहीं आती हैं तब तक आप भी ज़िंदगी के कुशल कप्तान नहीं बन सकते, ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको परेशान करने के लिए नहीं बल्कि आपको टेस्ट फायर करने के लिए आती हैं। तो आप उस पर टेस्ट, जो आपका टेस्ट होता है उस पर आप खरे उतरते हैं तो आप सफल बन जाते हैं, अगर खरे नहीं उतरते हैं तो आप परेशान रहते हैं। इसीलिए आपको कठिनाइयों से परेशान नहीं होना है, निरंतर अपना प्रयास करते जाना है और कठिनाइयों को पार करते हुए अपनी सफलता को प्राप्त कर लेना है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं आज की वन लाइनर न्यूज़ क्या हैं। महत्वपूर्ण दिन से पहली न्यूज़ रहेगी, मृदा स्वास्थ्य पत्रिका दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 19 फरवरी को। रक्षा से दूसरी न्यूज़ रहेगी, चौथा पनडुब्बी रोधी लड़ाकू जहाज GRSE द्वारा विकसित किया गया है। तो INS कवरत्ती, इससे पहले INS कामोर्ता और INS कदमत और INS किल्टन, ये जो है पहले थे और अब INS कवरत्ती जो है विकसित किया गया है GRSE से के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण से। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ग्रेट बैकयार्ड वर्ड गणना के दरमियान पाई गई दो पक्षी प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो वो हैं रेड थ्रोटेड थ्रश और प्लम बेयस वाटर रेड स्टार्ट, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की बात हो रही है तो इसमें दो इसकी जो कैपिटल है वो है लेह और ये केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ ज़िले भी दो हैं, लेह और कारगिल, और यहाँ पर जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है RK माथुर, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देख लेते हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय चुनाव के विजेता कौन हैं, तो वो हैं राष्ट्रपति अशरफ गानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में पहला डिजिटल इनोवेशन हब कौन सा है जिसका उद्देश्य कंपनी और भागीदारों के बीच डिजिटल वातावरण से संपर्क को बढ़ावा देना है, तो वो है नोवार्टिस बायोम इंडिया हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि से भारत Euro 6 उत्सर्जन अनुरूप ईंधन पेट्रोल और डीजल अपनाएगा, 1 अप्रैल 1920 से क्या होगा कि ये Euro 6 उत्सर्जन अनुरूप ईंधन अपना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किस वर्ष तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 53 लाख टन से बढ़ाकर 108 लाख टन करने की सुविधा प्रदान करेगी, तो 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2018 से 19 में दुग्ध उत्पादन कितना हुआ था, तो 187 लाख टन से अधिक हुआ था 2018-19 में जो दुग्ध उत्पादन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधिकारिक राजपत्र में संविधान के आदेश के प्रकाशन की तारीख से कितने वर्ष की अवधि के लिए वाइसवे भारतीय विधि आयोग को मंजूरी दी है, तो 3 वर्ष के लिए इन्होंने भारतीय विधि आयोग को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल और किस विदेशी संस्थान के बीच अद्यतन वैकल्पिक निवेश कोष प्रबंध निदेशक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए सेबी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो वो है फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ये किसके साथ, सेबी के साथ जो है ये समझौता ज्ञापन होगा, उस पर हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत अभियान के द्वितीय चरण को किस वर्ष तक के लिए मंजूरी दे दी है, तो बस 2024-25 के लिए इन्होंने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुकरणीय सेवा के लिए दिए गए पुरस्कार के विजेता कौन है, तो वो हैं बेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड नागपुर, UCPSU श्रेणी, अजय कुमार जायसवाल व्यक्तिगत श्रेणी में।
अब देश में अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुकरणीय सेवा में दिए गए पुरस्कार के विजेता कौन कौन है, तो वो जो है वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड नागपुर है CPSU श्रेणी में, और अजय कुमार जायसवाल जो है व्यक्तिगत श्रेणी में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मंत्रालय कौन सा है जो व्यवसाय एवं मानवाधिकार पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाने की प्रक्रिया में है, तो वो है कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय जो है, जो व्यवसाय एवं मानवाधिकार एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाने की प्रक्रिया में। मानवाधिकार की बात हुई तो मानवाधिकार मंत्री कौन है, MHRD मिनिस्टर कौन है, तो वो है रमेश पोखरियाल निशंक, और इनका अगर निर्वाचन क्षेत्र पूछा जाएगा तो हरिद्वार उत्तराखंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारतीय कंपनी कौन सी है जो पैनासोनिक एवियोनिक्स कंपनी के साथ साझेदारी के साथ जो देश में विमान उड़ते समय वाईफाई सेवा प्रदान करेगी, तो वो है टाटा समूह की नेल्को कंपनी। विमान उड़ते समय वाईफाई सेवा प्राप्त कराने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है, तो वो है विस्तारा कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन के टॉप 100 इमर्जिंग इकोनॉमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या है, तो विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 11 है। IISc बैंगलोर 16वें स्थान पर है, ठीक है। और एक टाइम्स हायर एजुकेशन के टॉप 100 इमर्जिंग इकोनॉमी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग दी गई है, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय जो शामिल किए गए उनकी जो संख्या है वो 11 है, और IISc जो बैंगलोर विश्वविद्यालय है वो 16वें स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 मार्च से भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थलों की यात्रा पर जाने के लिए चालू की जाने वाली पर्यटन ट्रेन का नाम क्या है, तो श्री रामायण एक्सप्रेस है, जो जितने भी राम जी के जन्मस्थल या जो भी राम जी के नाम से जो भी तीर्थ यात्रा के स्थल हैं उन पर जाने के लिए ये विशेष ट्रेन है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने हैं सुप्रतिम बंडोपाध्याय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान कौन है जिन्होंने नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता 2020 में 87 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो वो है सुनील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 AFC महिला एशियाई चषक का मेजबान देश कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो राज्य विशेष रहेगा, भारतीय चाय मंडल द्वारा आयोजित किए गए रन फॉर इंडिया टी कार्यक्रम का आयोजन स्थल क्या है, तो वो है त्रिपुरा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नए दो पहिया वाहनों को खरीदने के लिए उलेमास पेशिमाम मोतिहार अरबी शिक्षा के मुजावर के लिए 50% अनुदान की घोषणा की है, और उनकी पेंशन वर्तमान में 1500 रुपये से 3000 रुपये तक बढ़ाकर दोगुना कर दिया है, तो ये किस सरकार ने की है, तो तमिलनाडु सरकार ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए कोरोना विषाणु COVID-19 के लिए पहला उम्मीदवार टीका विकसित करने वाली कंपनी कौन सी है, तो वह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोडेन जिक्स के साथ साझेदारी में इन्होंने ये कोरोना विषाणु से लड़ने के लिए टीका तैयार किया है। अब जो भी न्यूज़ फॉर्म है उससे संबंधित सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो 20 फरवरी 1987 को हुई, और ये राजधानी अगर पूछी जाएगी तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। भारतीय विधि आयोग एक गैर वैधानिक निकाय है जिसका गठन मूल रूप से किस वर्ष में किया गया था, तो 1955 में किया गया था। हर 3 साल में फिर से गठन किया जाता है भारतीय विधि आयोग का। ओके, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई, 19 फरवरी 2004 को हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किस वर्ष में जनजातीय मामलों का मंत्रालय बनाया था, तो 1999 में इन्होंने पूर्व जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है वो बनाया था। छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किला में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने व्यापार एवं मानवाधिकारों के लिए 31 मार्गदर्शक सिद्धांत का प्रदर्शन मतलब समर्थन किया था, तो 16 जून 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई, तो 15 मार्च 2006 को मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एशियाई फुटबॉल परिसंघ की स्थापना कब हुई, 8 मई 1954 को, और मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो कुआलालंपुर में मिलेगा, मलेशिया के अंदर। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। डिटेल करंट न्यूज़ से पहले मैं आपको बता दूं, कला मतलब जो आप यूट्यूब में अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ठीक है।
और आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर शेयर चैट अगर यूज़ करते हैं वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, डेली मोशन वेबसाइट अगर यूज करते हैं वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट आपको फॉलो करना ही है वहाँ खबरी पर, अगर आपको रिविजन करना, अगर नहीं रिविजन करना है ये वीडियो यहाँ देखिए वहाँ रिविजन कीजिए, जिससे आपकी तैयारी और बूस्टअप होती जाए और अपनी आप सफलता के पास पहुँचते जाए। खबरी ऐप पर आप जाइए, वहाँ तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिए, वहाँ फॉलो कीजिए और जो भी ऑडियो है वहाँ पे सुनिए, रिवीजन कीजिए जो भी आपके क्वेश्चंस हम पढ़ाते हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं, क्योंकि आज सेशन बहुत लेट हो रहा है बिकॉज ड्यू टू हेल्थ इशू। कलाकुंभ 2020 भौगोलिक संकेत GI टैग मतलब कि जियोग्राफिकल इंटीग्रेटर शिल्प और भारत की विरासत को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में हस्तशिल्प प्रदर्शनी कलाकुंभ का परिदर्शन कर रहा है। ये प्रदर्शनियां बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में आयोजित की जाएंगी। यह प्रदर्शनी हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रायोजित है। इसकी शुरुआत 14 फरवरी 2020 को हुई थी, ये 23 फरवरी 2020 तक बेंगलुरु एवं मुंबई में निरंतर जारी रहेगी। ये प्रदर्शनियां मार्च 2020 में कोलकाता और चेन्नई में आयोजित किया जाएंगी। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कला कुंभ प्रदर्शनी कहां पर हुई है, तो कब हुई है, तो फरवरी में हुई है। कहां कहां पर हुई है, मुंबई में, बेंगलुरु में, कोलकाता एवं चेन्नई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में महिलाओं के कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक विधेयक सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। विधेयक ने एक राष्ट्रीय बोर्ड का प्रावधान है जो राज्य बोर्ड पर संबंधित राज्य में क्लिनिकों एवं बैंकों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों एवं योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन 2018 से 19 के लिए डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जो चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन है उसके लिए एक डेटा दिया गया है, तो क्या है इसमें, चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार आपातकालीन हेल्पलाइन पर, जो आपातकालीन हेल्पलाइन है 1098 पर बच्चों के खिलाफ दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए किए गए हर 10 कॉल पर एक जीवित बच्चे व्यक्ति से था जिसने मदद की सख्त मांग की थी। ये आंकड़े CIF से 2018-19 के लिए, जो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक नोडल एजेंसी है एवं चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन का प्रबंध करती है। अब इन्होंने एक डेटा पेश किया है, उसमें इन्होंने ये कहा है कि अगर बच्चों के खिलाफ दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए हर 10 कॉल पर एक जीवित बच्चे व्यक्ति से था, जीवित बच्चे व्यक्ति से था जिसने मदद की सख्त मांग की थी। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा डेटा उन्होंने दिया है कि जो चाइल्डलाइन हेल्पलाइन है वो काफ़ी वर्क कर रही है, जिन्हें आवश्यकता है वो इसकी रिक्वायरमेंट है वो इसकी हेल्प ले रहे हैं। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रौद्योगिकी समूह स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अधिकार प्राप्त प्रौद्योगिक समूह के गठन की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के प्रौद्योगिक वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में 12 सदस्य वाले प्रौद्योगिकी समूह के गठन को मंजूरी दी है। इस समूह को नवीनतम प्रौद्योगिकियों के बारे में समय पर नीतिगत सलाह देना, प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी उत्पादों की मैपिंग करना, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और सरकारी अनुसंधान एवं विकास संगठनों में विकसित प्रौद्योगिकियों के दोहरे उपयोग का वाणिज्यीकरण, चुनिंदा प्रमुख प्रौद्योगिकियों के लिए स्वदेशी रोडमैप विकसित करना और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए उचित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का चयन करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने प्रौद्योगिकी समूह को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण। श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 से 25 तक स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को मंजूरी दे दी है। खुले में शौच मुक्त प्लस ध्यान, जो प्लस पर ध्यान केंद्रित करेगा, इसमें ODF स्थिरता और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रदर्शन जो प्रबंधन है वह शामिल रहेंगे। स्वच्छ भारत मिशन जो कि ग्रामीण के लिए द्वितीय चरण है, मिशन मोड में लागू किया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य के शहरों सहित 2020 से 21 और 2024 से 25 तक की अवधि के लिए कुल अनुमानित बजट की अनुमानित वित्तीय जो रुपए रहेंगे वो
25,497 करोड़ रुपए रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत के 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग आधिकारिक संविधान की अपनी तिथि से 3 वर्षों के लिए कार्य करेगा। 22वें विधि आयोग का निर्माण जटिल कानूनी मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है। 22वें विधि आयोग पैनल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य, कानून और विधायी विभागों के सचिव और पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कौन से नंबर की विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है, तो 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की। जैसा कि हमने बताया है पहले भी कि अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करते हैं स्पेशल नॉलेज में तो 2 दिन वही चलेगा। तो कल भी हमने FATF डिस्कस किया था, आज भी FATF हम डिस्कस करते हैं। वित्तीय कार्यवाही दल, इसको हिंदी में कहते हैं, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहेंगे इंग्लिश में, FATF कहते हैं संक्षिप्त रूप में। यह एक अंतर सरकारी संस्था है जो काले धन को वैध बनाने को रोकने से संबंधित नीतियाँ बनाने के लिए सन 1898 में स्थापित की गई थी। सन 2001 में इसका कार्यक्षेत्र विस्तारित किया गया। आतंकवाद को धन मुहैया कराने के विरुद्ध नीतियां बनाना भी इसके कार्यक्षेत्र में शामिल कर लिया गया। इसका सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्यालय में अवस्थित है। ठीक है, अगर स्थापना पूछी जाएगी FATF की तो 1989 में हुई थी। अगर प्रकार पूछा जाएगा तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि अंतर सरकारी संस्था है। उद्देश्य अगर पूछा जाएगा तो कॉम्बेट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग, मतलब कि जो ब्लैक मनी होती है उसे वाइट मनी में बनाने के कुछ नियम इनकी नीतियां हैं, और जो टेररिज्म के विरुद्ध जो इनकी नीतियां हैं वो रहती हैं। ठीक है, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। सदस्य देश अगर पूछे जाएंगे तो 37 सदस्य देश है। आधिकारिक भाषा अगर पूछी जाएगी FATF की, इंग्लिश और फ्रेंच है। अब बात करेंगे स्टेट की, कल भी हमने मणिपुर डिस्कस किया था, आज भी एक बार मणिपुर डिस्कस कर लेंगे जब तक आपको याद नहीं हो जाता। राजधानी मणिपुर की इम्फाल है, सबसे बड़ा शहर भी इम्फाल है, जिले 16 हैं, और राजभाषा अगर पूछी जाएगी तो मणिपुरी है। गठन अगर पूछा जाएगा तो 21 जनवरी 1972 को हुआ था मणिपुर का गठन। राज्यपाल वर्तमान में नजमा हेपतुल्ला हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, भाजपा की पार्टी से आते हैं। ये विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें 60 हैं, संसदीय राज्यसभा की सीट 1 है, और लोकसभा की सीट जो हैं वो 2 हैं। मणिपुर एक पूर्वोत्तर राज्य है, इसकी राजधानी इम्फाल। इनके पड़ोसी राज्य उत्तर में तो नागालैंड है, दक्षिण में मिजोरम है, पश्चिम में असम है, और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। यहाँ के मूल निवासी मेयती जनजाति के लोग होते हैं जो यहाँ के घाटी क्षेत्र में रहते हैं। इनकी भाषा मेयतेलोन, जिसे मणिपुरी भाषा भी कहते हैं। यह भाषा 1992 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, और इस प्रकार इसे एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया है। यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में नागा व कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। मणिपुरी को एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य माना जाता है। ओके, अब बात करेंगे स्टैटिक जीके की। वन्य जीव जो हैं बिहार के वन्य जीव अभयारण्य, उन्हें डिस्कस कर लेंगे। भीमबंध वन्य जीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध पक्षी विहार, कंवर झील वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, नागी बांध वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य, और पंत वन्य जीव अभयारण्य, उदय वन्य जीव अभयारण्य, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट वरेला झील सलेम अली पक्षी वन्य जीव अभयारण्य, कुरेश्वर स्थान पक्षी वन्य जीव अभयारण्य। ये सभी वन्य जीव अभयारण्य जो हैं वो आपको बिहार के अंदर मिल जाएंगे। बिहार की कैपिटल आप सभी को पता है पटना होती है, वहाँ CM अगर पूछे जाएंगे तो नीतीश कुमार, और राज्यपाल अगर पूछे जाएंगे तो आप तुरंत बता देंगे फागू चौहान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है, तो दूरी का प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन होता है ज्योति फ्लस्क का। क्यूरी किसकी इकाई है, तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई जो है क्यूरी है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तृतीय नियम के कारण। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होती है।
अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? तो विश्राम जड़त्व जो होता है उसके अश्वारोही के गिरने का कारण होता है। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो उसमें लागू होता है गति का पहला नियम। समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग जो है ऊपर रहता है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो अपकेंद्री बल के कारण जो क्रीम है वो अलग हो जाती है। जेट इंजन किसके संरक्षण पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर जो है ऊँचाई होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, अपने सपनों का ख्याल रखिए और अपने जो भी आपके माता पिता उनका ख्याल रखिए। और हमेशा मन में जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे आप मुकाम अपना। ओके, और आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप शेयर चैट और डेली मोशन अगर यूज करते हैं वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर अकाउंट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको ऑडियो क्लिप सुनना है रिविज़न के लिए तो खबरी ऐप पर आपको फॉलो करना ही है, कर सकते नहीं आपको करना ही है। वहाँ से आपको जितने भी ऑडियो रहेंगे क्लासेस की सुनने को मिल जाएंगे तो क्या होगा, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होता जाएगा और आप तैयारी बूस्टअप करते जाएंगे, क्योंकि आप वीडियो भी देखेंगे ऑडियो भी सुनेंगे तो बहुत कुछ आपको बेनिफिट हो जाएगा। ओके, तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।